गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किए थे इसके बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का, इंडक्शन कराए थे ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली 2021 जो स्विस बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यार। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला सब एक्सप्लेन कर दिए हैं पार्ट वन में, आप पार्ट वन वीडियो देखे होंगे उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का, और जो कुछ है अब इसमें हम एक्साइज जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि हम लोग को थ्री टॉपिक पढ़ना है, 8.1 थ्री एक्साइज, सॉरी फोर एक्साइज, 8.1 8.2 8.3 एंड 8.4। ये इससे मिलकर आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्लस हाइट एंड डिस्टेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8.1 का, उसके बाद आपको हम आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो पहली बात है आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेगा, ये 100% श्योर रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एग्जांपल में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन अ ट्रायंगल एबीसी, आप एग्जांपल में देखिए एग्जांपल नंबर 4 एक पॉइंट पे एनसीईआरटी का पेज नंबर 180 का। तो इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एट बी इफ टैन ए इक्वल टू 1, मींस व्हाट, इफ टैन ए इक्वल टू 1 तो फिर फाइंड दैट 2 sin a into cos a equal to 1, this ये गिवन है, हमको ये वेरीफाई करना है। तो कंडीशन दिया हुआ है क्या कि राइट ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, और tan a इक्वल दे दिया है 1, हम वेरीफाई करना। तो देखते हैं बात क्या करना होगा हमको, मींस बात अगर tan a दिया हुआ है तो फिगर से जाते हैं, तो tan a p by b, इसके लिए p कौन है, bc, तो क्या लिख सकते हैं bc, p और b कौन है ab, तो p by b ab, tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 1 दिया है, 1 इक्वल टू bc by ab, व्हिच व्हाट, ab इक्वल टू bc, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ab इक्वल टू bc, व्हिच व्हाट, रिजल्ट क्या मिला हमको, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, व्हिच व्हाट, अगर ये a है तो ये भी क्या है, a है। तो हम बात करते हैं, तो अगर ये है ये है, ये क्या होगा, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मींस व्हाट, रूट टू ए स्क्वायर मींस व्हाट, रूट टू ए, इसी का क्या आ गया रूट टू ए। तो कुछ आप वेरीफाई कीजिए, तो हम एलजिस लेके चलते हैं, एलजिस क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो टू साइन ए व्हाट वैल्यू साइन ए, पी बाई एच, व्हाट डू पी ऑफ दिस कंडीशन, इट विल बी BC, means what? A. Sin equal to P by H, means what? A by, what the value of hypotenuse? Root 2A. Root 2A. I into cos A. Cos A equal to P by H. What the B? Here A. Or H kya hai? Why? Root 2A. Cut out. Toh hum likh sakte hain. 2 into this A, A cancel, A or A cancel. तो लिख सकते हैं 2 1 by root 2 into root 2, ये भी क्या आ गया 2, ये कैंसिल क्या आया 1 equal to RHS, लिख सकते हैं verify, ये आपका 2 marks नहीं तो 3 marks का क्वेश्चन होगा। ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है, मैंने क्या किया tan a ऑलरेडी गिवन था, ये गिवन केसेस है, ये गिवन था, हमको प्रूफ करना था क्या, verify करना था 2 sin a into cos a equal to 1। तो मैंने क्या किया tan a इक्वल टू फिगर से, क्योंकि a b c राइट एंगल दिया था जहां b पे 90 डिग्री है, तो मैंने tan a इक्वल क्या किया bc / ac, और tan a का वैल्यू क्या दिया था 1, हम लिख सकते हैं गिवन bc / a, यहां tan a का वैल्यू क्लियर। उसके बाद क्रॉस चेस्ट पर क्वेश्चन किया तो क्या आया मेरा ab इक्वल टू bc, हम lhs लेके चले, lhs क्या था 2 sin a into cos a, तो 2 sin a into cos a, sin a इक्वल टू p / h, साइन ए के इक्वल टू पी कौन होगा, ये बीसी, बीसी का वैल्यू क्या माने हैं ए, और हाइपोटेनस कौन होगा रूट टू ए, निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये वैल्यू पुट कर दिए, फिर कॉस ए इक्वल टू क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है रूट टू ए, वही सो सिर्फ सिंपलीफाई कर दिए, ये ए नीचे ए कैंसिल, क्या होगा 1 बाय रूट टू इनटू रूट टू, 2 2 2 कैंसिल इट विल बी 1, दैट विल बी आरएचएस, सो ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट इज वेरीफाइड, ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग इस टाइप के ही अलग क्वेश्चन जाते हैं, तो बात कर रहे हैं
डाटा पे। तो इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्साइज में बात करें, एक्साइज में देख रहे हैं क्या, 8.1 में हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इक्वल टू cos b देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 8.1 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपको इस पर कंसंट्रेट करना होगा कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा इस पे। ये क्या गिवन है, करेक्ट कि ए और बी इक्विट एंगल है, हम एक बात करते हैं, एक दो एंगल इनमें कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, क्या एक बना दिए ए बी सॉरी ए सी डी, यहां लिए बी ई एफ, ऐसा दो टेंगल लिए, क्या बोल रहा है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल, यानी ये और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, क्या गिवन है, गिवन ऑलरेडी है, क्या cos a इक्वल टू cos b, क्या गिवन है, cos a इक्वल टू cos b, हमको प्रूफ करना है क्या कि एंगल a इक्वल टू एंगल b। चलिए बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं cos a इक्वल टू cos क्या b by h, इसके b कौन होगा, इसके एंगल इस एंगल में b कौन है, ad, हाइपोटेन्यूज कौन है, ac, cos b के लिए फिर क्या बेस, बेस कौन है, यहां लिख सकते बेस क्या है, बी एफ, और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी बाई एच होता है, ये क्या है, बी ए, ठीक है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, और दूसरे में लिख सकते हैं वो क्या, ए बी बाई क्रॉस में लिख सकते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, ए डी बाई क्या लिख सकते हैं, बी एफ, ए डी बाई बी एफ, इसको वहां भेज देते हैं क्रॉस मेडिकेशन में, ए सी बाई पहले से क्या है, बी ई, बी ई, हम लिख सकते हैं ए डी बाई ए सी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, उसी गिवन का यूज किया मैंने, कॉस ए निकाल लिया इस फिगर से और कॉस बी निकाल लिया इस फिगर से, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, दो राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद क्रॉस करेंगे। मेरा टारगेट क्या है कि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना कर देंगे तो वो क्या होगा, ये सिमिलर ट्रेंगल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यही मेरा टारगेट है। मैंने यहां पे क्या किया, एडी बाई बी एफ, इससे फायदा हमको क्या होगा, इतना बाई इतना और एसी बाई इतना, दो केस आ गया, हमको क्या केस लगाना है, इतना बाई इतना लाना है। तो पहले इसको मान लेते हैं इक्वल टू के, लेट कर लेते हैं, लेट एक्सप्रेशन वन मीन्स क्या, जो गिवन था उससे एक रिलेशन निकाल दिया, इक्वल टू के मान लिया मैंने। अब चलते हैं फिर इसमें हम निकालते हैं कि क्या होगा, इन ट्रेंगल ए डी सी, इन ट्रेंगल ए डी सी क्या देखते हैं, डीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर हाइपोटेनस क्या है, ए सी के स्क्वायर माइनस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बात है, हम लोग लिख सकते हैं इस केसेस में क्या, सी डी इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें इंट्रेंगल, किसमें ए डी सी, इंट्रेंगल ए डी सी। अब यहां देखें एसी का वैल्यू, एसी का वैल्यू और इस फिगर में जाए हम एसी क्या निकालेंगे, इक्वेशन वन में एसी इक्वल टू के बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एसी इक्वल क्या आएगा, के बी ई, के बी ई का होल स्क्वायर माइनस के डी, और इसमें जाते हैं के बी इक्वल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के बी एफ क्या जाएगा, के बी एफ का होल स्क्वायर। अब यहां देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, गुड आउट। अब चलते हैं इस
triangle at A. In triangle BFE, BFE, वहां पे निकालते हैं परपेंडिकुलर क्या क्या हो जाएगा EF, EF स्क्वायर को क्या लिख सकते थे B के स्क्वायर माइनस BF के स्क्वायर लिख सकते हैं BF के स्क्वायर, कोई डाउट। अब ये हमको क्या करना था, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना हम निकाल चुके थे, अब यहां क्या है इतना बाय इतना हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करें इसको सीडी बाय ईएफ ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको यहां नोटिस कीजिएगा, तो क्या मिलेगा हमको सीडी बाय ईएफ इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ सीडी क्या निकाले हैं रूट अंडर के स्क्वायर, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं के रूप से बाहर जा सकता है स्क्वायर में है तो के यहां क्या बच गया बी के स्क्वायर माइनस बी एफ के स्क्वायर बाय ई एफ का वैल्यू, ई एफ का वैल्यू क्या निकाले हैं रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर माइनस बी एफ के स्क्वायर, बी एफ के स्क्वायर ये दोनों क्या है सेम है कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सीडी बाय ई एफ इक्वल टू के, क्या है के ये भी क्या था के इसको लिख सकते हैं इक्वेशन टू, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग निकाल सकते हैं वन एंड टू से इक्वेशन फाइंड हुआ क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिला हमको क्या कि एडी बाय बी एफ इक्वल टू एसी बाय बी ई इक्वल टू सीडी बाय ई एफ, क्या हुआ फाइंड हमको क्या मिल गया रिलेशन फाइंड ये इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना मींस क्या हुआ देयरफॉर ट्रायंगल लिख सकते हैं ए डी ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी एफ ई, बी एफ ई ट्रायंगल वाला थ्योरम पढ़े मैंने ऑलरेडी सिमिलर हुआ, सो सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि जब प्रश्न होता है करस्पोंडेंस करस्पोंडेंस ये प्रश्न होता है तो क्या हो जाता है एंगल भी क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, इस रिलेशन से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय सिमिलरिटी, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 8.1 का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए दोनों एक्यूट एंगल बनाइएगा ए एंगल बी, उसके बाद जो गिवन दिया उसका यूज करके आप रिलेशन निकालिए साइड का रिलेशन निकालिए इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना निकल गया इस केस से, इसको हम के मान लिए, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका निकालिए लेंथ ये निकालिए दोनों को डिवाइड किए तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया के का वैल्यू, और इसको इक्वेशन 2 मान लिए 1 और इक्वेशन 2 से हमको रिजल्ट मिला क्या कि इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, ये क्या हो गया ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया ड्यू टू दिस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूफ हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस एक्सरसाइज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 8.1 में 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्या कर रहा है इन ट्रायंगल पीक्यूआर इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू राइट एंगल एट क्यू तो आपकी पी और आर कोई भी हो सकता है कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर गिवन है गिवन है पी आर प्लस क्यू आर पीआर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और क्या दिया हुआ एंड पीक्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी हमको फाइंड करना है क्या हमको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी एंड टैन पी
इसके लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा इक्विक्वल क्या दे दिया है, ये दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। नो डाउट हमको ये लेंथ दोनों पता नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। नो डाउट यहां से क्या होगा कि इस लेसन से हमको किसी तरह से ये दोनों वैल्यू फाइंड करना है, टारगेट क्या है कि हमको इस वैल्यू दोनों को निकालना होगा। तो एक और हम काम कर सकते थे पी आर का वैल्यू और पी क्यू का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ठीक है करण, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर से हम यूज कर सकते हैं PQ के यहां निकाल सकते हैं PQ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा PR के स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर PR प्लस QR, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B इनटू A माइनस B PR माइनस QR। अलग अलग लोग अलग अलग मेथड से बनाते हैं, PQ का वैल्यू ऑलरेडी दिया था 5 स्क्वायर 25, अब PR प्लस QR, PR प्लस QR ऑलरेडी गिवन है 25, तो लिख सकते हैं 25 इक्वल टू 25 इंटू यहां पे क्या है पी आर माइनस क्यू आर, ये 25 कैंसिल, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया 1। इसको जो गिवन था उसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको, कर सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, क्यू आर क्यू आर कैंसिल, ये 2 पी आर इक्वल टू 26, तो पी आर इक्वल टू 26 बाई 2 इज व्हाट इट विल बी 13, पी आर इक्वल क्या आ गया 13, यानी ये आ गया 13। तो आप क्यू आर भी निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में बना दीजिए, तो क्या आ जाएगा हम लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा 12, यानी ये क्या आ गया 12। तो अब क्या पूछा था साइन पी, देयरफॉर साइन पी इज व्हाट पी बाई एच, पी कौन इसके लिए 12, हाइपोटेनस कौन है 13, तो साइन पी को क्या आ गया 12 बाई 13। फिर पूछा है कॉस पी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन है 5, आइए हाइपोटेनस क्या है 13, इसको लिख सकते हैं 5 बाई 13। फिर पूछ रहा था टेन पी, इतना भाई इतना भी कर सकते हैं या तो फिर पी बाई बी कर सकते हैं, तो पी कौन है 12 और बी कौन है 5, तो क्या होगा पी 12 बाई 5, ये आपका रिक्वायर्ड वन आंसर सही है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉइंट वन में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई अब नहीं है। और एक बात यहां एक ऑब्जेक्टिव की जो है यहां पे दिया गया है, तो स्टेट के वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, द वैल्यू ऑफ टाइम इज चार्ज में लेस देन 1, याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है, टाइम का वैल्यू 1 से अबव भी जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर हम बात करें या आपका समझ गए होंगे, इसमें कोई यार टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। आप इसको देखिए ऑब्जेक्टिव में आपके पास एक 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है, बोला कि द वैल्यू ऑफ टाइम ए इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं 1 से एवर भी होता है, इसलिए क्या कहेंगे फॉल्स। फिर कह रहा sec a इक्वल टू 12 बाई 5, sec a इक्वल टू 12 बाई 5, देखिए क्या कह रहा sec a इक्वल टू 12 बाई 5, sec होता क्या है h बाई बी, cos उल्टा होगा b बाई एच, तो क्या हो जाएगा cos a इक्वल क्या होता है cos b इक्वल क्या होता है b by h, तो क्या हो गया h by b, यानी h वैल्यू 12 by ये क्या हो सकता है ये ट्रू होगा, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे अगर रहता 5 by 12 तब
तब नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी हालत में डेटर होना चाहिए परपेंडिकुलर से और बेस से, दोनों से। इसलिए ये क्या है, ट्रू है। और फिर कह रहा यानी आपका सेकेंड, ये फर्स्ट था, सेकेंड आपका ट्रू है। थर्ड कह रहा कोस इज द एब्रिविएशन ऑफ यूज फॉर कोसेकेंड, नहीं ये गलत है, क्योंकि कोसेकेंड किसका है, सेकेंड का है, कोस का नहीं है। कोस एक का कोसाइन होता है एक्सटेंड फॉर्म, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स। थर्ड फोर्थ कह रहा कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये कभी भी कॉट ए, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए ये नहीं हो सकता है, इसलिए फोर्थ क्या है, फॉल्स है। फिर तरफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3, देखिए क्या कर दिया, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 यानी पी बाई एच, हाइपोटेनस को ही क्या कर दिया है, पी से, फोर से बड़ा कर दिया है, इसलिए 4 > 3 इस कंडीशन में कभी भी नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है, इसलिए क्या हो गया, फिफ्थ भी फॉल्स है, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें ट्रू था और सभी सभी स्टेटमेंट फॉल्स थे सेकंड को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट ये 8.1 का क्वेश्चन था आपका, था बेसिकली जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो मैंने दिया। 8.2 में, 8.2 जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पे, कि साइन 0° का वैल्यू कैसे फाइंड होता है, जीरो साइन ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, यानी सभी ज्योमेट्रिक वैल्यू का वैल्यू निकालेंगे, इवन साइन 90 का वैल्यू 1 क्यों होता है, साइन 0 वैल्यू 0 क्यों होता है, किस बेस पे होता है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। ये थोड़ा फाइन सोचिक बातें हैं, किसी भी राइट एंगल में ओनली 90 है, फिर साइन 90 कैसे हो गया, ये 90 कैसे एंगल हो गया, एक ही एंगल में दो 180, एक ही दोनों एंगल में कहीं 180 हो जाएगा, थर्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस पे नेक्स्ट वीडियो में आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये 8.1 के लिए आप एक क्वेश्चन, 35 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसी रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट 8.2 में, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे।